रिव्यूज सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 10 में से 8 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित। दुनिया की कुल महिला आबादी में से 16% महिलाएं भारत में रहती है, लेकिन यहां सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली महिलाओं का आंकड़ा कुल मौतों में से एक तिहाई है। आंकड़ों में मुताबिक भारत में हर साल करीब 80,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के चपेट में आती है और इनमें से 35,000 की मौत हो जाती है। हालत यह है कि देश में हर 2 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से जान गंवा रही है। देश में 10 में से 8 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण देरी से सामने आने के कारण मर्ज की गंभीरता घातक रूप में सामने आ रही है, इसे लेकर विशेष तज्ञ भी चिंतित है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जून में देश के 6 राज्यों में 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका देना शुरू कर सकती है। अधिकाधिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर रोधी टीकाकरण अभियान के पहले चरण में जिन राज्यों में 9 से 14 साल की लड़कियों को टीका दिया जाएगा, उनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन 6 राज्यों की 2.55 करोड़ लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में HPV वैक्सीन को शामिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। साथ ही साल 2026 तक HPV वैक्सीन की 16.2 करोड़ खुराक की खरीद के लिए अप्रैल में एक वैश्विक निविदा जारी होने की संभावना है। 5 लड़कों ने 16 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। यह घटना नई दिल्ली से सामने आई है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 16 वर्ष के एक किशोरी के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों ने कथित तौर पर कुकर्म किया। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी पहचान विक्रम के तौर पर की गई है, जो नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिविल लाइन्स थाने को बीते शुक्रवार को 5 लोगों द्वारा लड़की से कुकर्म किए जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पीड़ित किशोरी ने बताया कि कुछ स्थानीय लड़कों ने उसका यौन शोषण किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो की धारा 4 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। कासलगांव के रेलवे स्टेशन के पास एक दुर्घटना। गलत दिशा में काम कर रहे 4 गैंगमैन को एक लाइट की मरम्मत कर रहे इंजन ने उड़ा दिया, जिससे 4 गैंगमैन की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में रेलवे कर्मचारी लासलगांव स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। KDA ने घटना स्थल का दौरा कर मौका मुआयना किया और इस घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी और इस सिलसिले में 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। SS KDA मध्य रेलवे के भुसावल प्रबंधक। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।